सन 1827 में जाने माने समाज सुधारक, दलित और महिला उत्थान के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। वर्ष 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज संस्था का गठन किया था। आज एक दिन सन 1869 में समाज सेविका कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कस्तूरबा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कई आंदोलन चलाए। प्यार से लोग कस्तूरबा गांधी को बा कहकर पुकारते थे। आज एक दिन सन 1887 में मशहूर भारतीय पेंटर जैमिनी रॉय का निधन हुआ था। जैमिनी अपनी पेंटिंग्स में खास 7 रंगों को तरजीह देते थे, जिनमें भारतीय रंग लाल, पीला, गेरुआ, कैडियल हरा, सिंदूरी, स्लेटी, नीला और सफेद रंग शामिल थे। वर्ष 1955 में जैमिनी को पद्म भूषण से नवाजा गया। आज के दिन सन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 हिस्सों में विभाजित हो गई थी। मूल पार्टी पहले की तरह ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहलाई, जबकि इससे टूटकर बनी दूसरी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। रूस और चीन के बीच साम्यवादी विचारधारा को लेकर जो मतभेद पैदा हुए, उसने भारत में सीपीआई का विभाजन कर दिया। आज के दिन सन 1977 में आजादी के आंदोलन से लेकर हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी से तूफान पैदा करने वाले फणीश्वर नाथ रेणु का निधन हुआ था। सन 1966 में आई फिल्म तीसरी कसम रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। रेणु जी को हिंदी के साथ बांग्ला और नेपाली भाषाओं पर भी अच्छी पकड़ थी।